हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ बांगड़े फिश की आज मैं कड़ी से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बांगड़े फिश की जो कड़ी है वो बनाना तो बहुत ही इजी है। और ये जो फिश है, मेन प्रॉब्लम इस फिश में है कि अगर आप इस फिश को अगर लेते हैं ना, तो जहाँ से भी आप इस फिश को लेते हैं ना, वहाँ पे आपको इसको अच्छे से कट करवा के इसके पेट पूरे अच्छे से आपको साफ़ करवाने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत ही अजीब कड़वी हो जाती है ये। तो मैंने वही करवा लिया था और अब मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है फिश को। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट मैंने डाले हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर डाली है, क्योंकि हमें फिश को फ्राई करनी है तो हम इसे थोड़ा सा मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। और यहाँ मैंने 1 स्पून मैंने हल्दी डाला है, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है, जो भी आप मतलब ज़्यादा नमकीन या यहाँ पे ज़्यादा नमकीन का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी यूज़ करना है इसे सॉल्ट को। तो फिर यहाँ मैंने डाल दिया है। अब इन मसालों में थोड़ा सा हम इसे अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो 1 चम्मच चने के बेसन को, तो वही मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच चने का बेसन। और इन मसालों को हम अच्छे से इस फिश के ऊपर मतलब रब कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हरी चटनी डाली है। हरी चटनी कोई भी आप जैसे धनिया पुदीना वगैरह की जो चटनी होती है, जिसमें आप आमचूर वगैरह डाल करके मतलब मैंगो पाउडर डाल करके जो आप बनाते हैं नॉर्मल जो ग्रीन चटनी होती है, वो 1 चम्मच यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। अगर आपने चटनी हरी चटनी बनानी सीखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ग्रीन चटनी बनाने के भी तरीके आपको बताए, मैंने 1-2 वीडियो मैंने डाले हैं उसके, तो वो भी आपको पता चलेगा। वैसे बनाना बहुत ही आसान है, ग्रीन चटनी तो कोई भी बनाता है अपने घर में। बस इसे 1 चम्मच डाल के अच्छे से हमने उसे लगा करके रख दिया है मैरिनेट करके। अब हम यहाँ ग्रेवी के लिए मसाले की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून मैंने यहाँ पे सरसों डाला है, सरसों की सीड डाली है, पीली वाली सरसों। 1 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे जीरा लिया है, खड़ा जीरा। और उसके साथ में और भी मसाले ऐड करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पे खड़ी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे पाउडर ही डाला है मिर्च का। और यहाँ मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर भी यहाँ पर आप 1.5 स्पून डालिए। और यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, तो सॉल्ट वगैरह, क्योंकि हम मसाले में हमें जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ पर ही हम एक इकट्ठे हम यहाँ पे उसे उसकी पेस्ट बनाने वाले हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ के मैं टमाटर पके हुए डाल रही हूँ। अगर बड़े साइज़ के टमाटर नहीं है तो छोटे साइज़ के भी लें, काफ़ी अच्छे पके हुए टमाटर डालिए, जिससे कि जो फिश की जो ग्रेवी होती है काफ़ी अच्छी टेस्टी होती है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है। तो इस फिश में ना गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छे से यूज़ कीजिए, जिससे कि इसकी जो टेस्ट है ना काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है गार्लिक पेस्ट वगैरह डाल के, अच्छे से हमने एक अच्छी सी पेस्ट बना ली है मसाले की। तो चलिए, हमारे तो मसाले हो गए रेडी। और यहाँ पर मसालों जार में जो मसाले लगे हुए हैं, आप थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके और मिक्स करके इस मसाले में आप ऐड कर लीजिए। तो लीजिए, आपके हो गए मसाले रेडी। अब हम चलेंगे इसे बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए डाल दिया था, जो काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फिश डालेंगे। तो आपको फ्राई पैन में 3, 4, 5 जितने भी आ जाते हैं, जो इजीली जो पल जिसको पलटे जा सकें, बस वैसे ही डालिए, क्योंकि ये फिश आपस में अगर चिपकेंगी तो फिर ये एक दूसरे को लेके ही टूटेंगी। तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा अलग अलग ही ऑयल में डालिए, जिससे कि ये अलग अलग फ्राई हो, तो काफ़ी अच्छे से फ्राई होकर निकलेगी। और ये जिस तरीके से आप फ्राई कर रहे हैं ना, इसे आप फ्राई करके हरी चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन इसकी मैं यहाँ पे आपको ग्रेवी बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम फिश को कर लेंगे अच्छे से फ्राई। तो चलिए, पहले हम फटाफट सारे फिश को कर लेते हैं फ्राई, और उसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। Say it, baby. I know you're on a roll.
तो चलिए फ्रेंड, जब तक एक बार की वो फिश फ्राई दूसरी बार की हो रही है, तब तक यहाँ पे हम दूसरे गैस पे हम यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल दी है मस्टर्ड ऑयल, जो कि कम से कम 4 स्पून है, और यहाँ पे मैं मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ। यहाँ मैं पीली वाली मैंने डाली है, अगर आपके पास पीली वाली येलो ब्लैक वाली हो तो आप ब्लैक वाली ही डालिए, और ना हो तो पीली वाली डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर वही 1 चम्मच के करीब मैंने पीली वाली सरसों डाली है, और हम इसे तड़कने का इंतज़ार करेंगे। इससे पहले ही मैंने डाल दी है 2-3 सूखी लाल मिर्च, तो वो भी मैंने डाल दिया। और आप चाहें तो यहाँ पे पंचफोरन का भी यूज़ कर सकते हैं। पंचफोरन जो है वो 5 मसालों को मिला करके बनते हैं, जैसे सरसों, जीरा, अजवाइन, और सरसों, जीरा, अजवाइन होते हैं, मेथी और कलौंजी होते हैं, तो इन्हें मिक्स करके बनते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले पलट दिए हैं, क्योंकि मेरी जो तड़के वाली जो थी सरसों, वो तड़क चुकी थी, तो मैंने यहाँ मसाले ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसे अच्छे से करेंगे फ्राई। तो मसाले को हमें इतना फ्राई करना है कि मसाले का जो ऑयल हमने जो डाला हुआ है ना, वो ऑयल निकालना शुरू हो जाए, मतलब ऑयल निकाल देना है इसके। तो जैसे कि तो हम अच्छे से फ्राई करेंगे, तो इसकी ऑयल जो है वो धीरे धीरे करके मसाले को फ्राई कर देगी, और खुद वो अलग होने लगती है मसालों से। और यहाँ जब तक हमने दूसरी बार जो फिश डाली थी फ्राई होने के लिए, वो भी एकदम फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, काफ़ी क्रिस्पी लग रही है, और इसे आप इसी तरीके से सर्व भी कर सकते हैं हरी चटनी के साथ में, बहुत ही टेस्टी लगेगी हरी चटनी के साथ में करेंगे तो। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इन सबको निकाल देती हूँ एक एक करके, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है फ्राई। तो इन सबको फ्राई मैं निकालती हूँ, और आपको एक बार दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है ये सब। और चूंकि इस फिश की एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसकी पेट में पूरे चीरे लगा करके अंदर से इसके जो मतलब अंदर के जो भी है ना, वो निकालने पड़ते हैं, नहीं तो अगर वो रह गए ना तो पूरी कड़वी लगेगी। तो बहुत लोग हैं कि फिश ले आते हैं और बनाने के समय ही कट करवाते हैं, बट मैं मार्केट से ही करवा के लाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है कि वो कटिंग करना नहीं आता है वहाँ का निकालना, तो इस वजह से। और यहाँ पर मेरे मसाले जो है वो हो रहे हैं फ्राई, तो देखते ही देखते मसाले भी हो जाएंगे फ्राई। तो यहाँ पर और इसमें हमने चूंकि ऑलरेडी सारे मसालों, जो भी हमें मसाले की ज़रूरत थी, हमने पहले ही ले लिया था, तो ये सरसों वाली जो है वो ग्रेवी हम बना रहे हैं। एक इसकी वो प्याज वाली भी बनती है, प्याज टमाटर के साथ भी बनती है, बट सरसों वाली जो फिश होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर ये सरसों टमाटर वाली है, और यहाँ पर देखिए फिश जो फ्राई हो गई है, देख लग रही है ना यम्मी, और इसे आप इसी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो खैर, हमें अभी इसे सर्व नहीं करना है ऐसे, क्योंकि हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। वैसे ही अगर ये ख़त्म हो जाएगी खा करके, तो फिर ग्रेवी में हम क्या डालेंगे? तो इसलिए इस ग्रेवी इसे हमें ग्रेवी में डालना है। तो चलिए, यहाँ देखते देखते मसाले फ्राई ऑलमोस्ट हो गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको ऑयल धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसकी जो ऑयल है वो निकल रही है। तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है इसमें, और अब हम इसमें बबल आने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बबल भी आ चुके हैं, और एकदम से ये मसाले जो हैं उसमें बॉयल इतनी अच्छे से आ चुकी है कि अब हम यहाँ पर फिश को ऐड कर सकते हैं। तो इसी स्टेज पे हम फिश को कर देंगे ऐड इसमें। तो आपको जितनी भी फिश इसमें ग्रेवी में डालनी है, उतनी फिश आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, और इस तरीके से हमारी जो फिश है वो हो जाएगी रेडी। और फ्रेंड, अभी तो वीडियो अभी बाकी है, अभी पूरी वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, पहले ही लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो पहले देख सकें। तो यहाँ पर देखिए फिश तो हो गई है रेडी, हमने वहाँ पर जितने फिश की ज़रूरत थी उतनी मैंने ग्रेवी में डाल दी है। आप चाहें तो बाद में जितनी आपको ज़रूरत है इतनी आप अभी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बाद में आप तो ग्रेवी बचती है तो उसमें आप और भी अगर फ्राई फिश बची हुई है तो आप ऐड कर सकते हैं बाद में, क्योंकि एक साथ कभी कभी होता है बहुत सारे फिश टूटने लगते हैं, तो अगर आप नहीं उसको संभाल सकते, अगर आपकी टूटने लगती है, तो फिर आप थोड़े थोड़े करके ही फिश को ऐड कीजिए यहाँ पे। लेकिन हाँ, इसकी जो ग्रेवी है, जब भी आप फिश ऐड करें तो ग्रेवी को गर्म कर लें तब आप फिश ऐड करें। यहाँ पे मैंने थोड़े से मतलब 1/2 स्पून के करीब मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है, इससे इसके जो टेस्ट है ना, मसाले की जो टेस्ट है और ग्रेवी की जो टेस्ट है, वो काफ़ी इन्हेंस होती है। तो आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो ना ऐड करें, कोई बात नहीं है, वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगी आपको खाने में।
तो चलिए मैं अपनी वीडियो को अब करूँगी ख़त्म धनिया की पत्ती डालने के साथ साथ, और अब मैं जा रही हूँ इसे सर्व करने के लिए। तो देखिए हमारी फिश तो हो गई है रेडी। अगर आपने भी बनानी है बांगड़े की फिश ग्रेवी तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए, ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी, और अच्छी बने तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।